अब शांत हो जाइए और आज स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 13.1 के पार्ट टू क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। कह रहे हैं अ हेमी स्फेरिकल डिप्रेशन, मतलब एक हेमी स्फेयर को कट कर दिया गया, डिप्रेशन इज कट आउट, ठीक है, फ्रॉम वन फेस ऑफ अ क्यूबिकल वुडन ब्लॉक सच दैट। चलो पहले इतना ही पढ़ते हैं क्वेश्चन और आगे बढ़ाते हैं। ये कहना चाह रहे हैं क्यूबिकल वुडन ब्लॉक है, मतलब सॉलिड है, वो एक सॉलिड क्यूब है हमारे पास, ये रहा भैया एक ये सॉलिड क्यूब है इस तरीके से। क्या किया इन्होंने, एक हेमी स्फीयर डिप्रेशन इस कट ऑफ, मतलब अंदर से काटा गया, अगर रखा गया वो होता ऊपर तो सरमाउंटेड बाई आता, तो अंदर से इस तरीके से इन्होंने ये कट कर दिया इस तरीके, ठीक है जी। कह रहे हैं द डायामीटर ऑफ द हेमी स्फीयर इज इक्वल टू एज ऑफ द क्यूब, सही बात है। कह रहे हैं इसका जो रेडियस है ना वो इसकी क्या है, इसका सॉरी इसका जो डायामीटर है, जो इस क्यूब की जो साइड है वो इसका डायामीटर है। सपोज इसकी साइड ए है तो इसका डायामीटर ए होगा हेमिस्फीयर का, रेडियस क्या होगी ए बाई टू। तो कह रहे हैं बेटा बात नहीं करो, डिटरमाइन द सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड। तो मैं एक चीज क्लियर कर दूं इस पूरे चैप्टर में, 13 चैप्टर में, अगर कोई चीज आपने कट की है, अगर हेमिस्फीयर कट किया तो अंदर हेमिस्फीयर बन जाएगा, अगर आपने कोन को कट किया तो अंदर क्या बन जाए, कौन बन जाए। कैसे, ये देखिए हमारे पास ये एक क्यूब है, मैंने क्या किया इस क्यूब में से एक हेमिस्फीयर कट कर दिया, तो देखो इस तरीके से ये देखो अंदर हेमिस्फीयर है, तो क्या अंदर हेमिस्फीयर नहीं बन गया, यस और नो। और इसका जो डायामीटर देखो इसकी साइड के इक्वल है, पक्की बात है। अब कह रहे हैं इसका रिमेनिंग जो बचा हुआ, अब इसका सरफेस एरिया फाइंड करो, तो भाई सरफेस एरिया को मारो गोली, आप अपने आप से क्वेश्चन करो यार कि कहां कहां कलर कर सकते हो, यहां कलर होगा, यहां कलर होगा, यहां कलर होगा, यहां कलर होगा, पांच जगह कलर होगा, अच्छा और इसके अंदर भी कलर होगा और एक जगह ये यहां पर भी तो कलर होगा, यस और नो। तो अगर मैं आपसे कहूं कि अगर मैं आपसे कहूं कि भैया मैंने लगा दिया टी एस से ऑफ क्यूब, क्यूब के सारी साइड से, तो उसमें ये भी आ गई, लेकिन ये सर्कल तो माइनस करना पड़ेगा क्योंकि पांच साइड में तो पूरा पूरा कलर होगा, ये वाली जो साइड इसमें केवल इसी जगह तो कलर होगा क्योंकि सर्कल को हमने हटा दिया, तो माइनस करेंगे पाई आर स्क्वायर प्लस इसके अंदर भी तो होगा, तो ये क्या होगा हेमी स्फीयर का सी एस से, सी एस से ऑफ हेमी स्फीयर। तो टी एस से ये कितना 6 × साइड स्क्वायर, साइड कितनी ए, माइनस पाई आर स्क्वायर, और सी एस से हेमिस्फीयर क्या होता है 2πr², तो ये हो गया 6a² प्लस का पाई आर स्क्वायर, ये सॉल्व कर देंगे तो देखो 6a² पाई की जगह पाई को, आर कितना हो जाएगा a बाई टू का होल स्क्वायर, आ गया भैया आंसर हमारा, बस कंसेप्ट समझो, विद डायग्राम तो बहुत, विद प्रोजेक्ट के साथ अगर आप समझते चलेंगे तो बहुत अच्छे से ये चीज़ें क्लियर होती। कोई डाउट हो रहा है तो बताइए। कह रहे हैं कि जो हेमिस्फीयर जो आपने कट किया इसका जो डायामीटर वो साइड के इक्वल है, तो अगर साइड ये ए है तो इसका डायामीटर ए होगा, रेडियस ए बाई टू हो जाएगी, कलर कहाँ होगा। अब आप कहेंगे सर आपने पांच का लेते, अरे एक ही बात है पांच का लेके फिर ये ऐड करना पड़ता, ठीक है, तो हमने पूरा लिया 6 साइड का ले लिया, उसमें ये भी साइड आ गई, लेकिन कलर यहां तो होगा नहीं, यहां तो कुछ है ही नहीं, तो माइनस कर दिया पाई आर, क्यों इतनी जगह तो कलर होगा ना। अगर सपोज मैं आपसे यही कहूँ यार कि ये हमारे पास एक स्क्वायर है, स्क्वायर के अंदर ये सर्कल कट कर दिया तो इतने जगह तो कलर होगा, तो आप कैसे फाइंड करेंगे इसका एरिया माइनस पाई आर स्क्वायर, ही तो करेंगे, तो वही काम हमने किया है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर, हाँ डायमीटर एल बोला गया, अरे यार डायमीटर एल बोला गया तो एल ले लो, इसकी डायमीटर एल है मतलब इसकी साइड क्या हो जाएगी एल हो जाएगी, तो कोई दिक्कत नहीं है एल ले लो, वो तो हमने लेट किया था क्वेश्चन, मैंने पूरा पढ़ा भी था, कंसेप्ट समझो बस, एल है तो एल ले लो ना, ठीक है, हाँ कुछ वेरिएबल है कुछ भी ले लो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यार, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। ये क्या कह रहे हैं, हमारे पास एक कैप्सूल है, कैप्सूल के जो एंड पॉइंट्स हैं वो क्या है, सर्कुलर एंड्स हैं, और ये हमारे पास एक सिलेंडर बना हुआ है। कह रहे हैं सरफेस एरिया फाइंड करो, ये रहा हमारे पास तैयार है, देखो ये सिलेंडर हो गया, ये हमारे पास हेमिस्फीयर दो लगे, अब सरफेस एरिया मतलब कहाँ कहाँ एरिया का, वो एरिया होता है जहाँ आप कलर कर सकते, इस पे तो 2πr, इस पे तो 2πr, इस पे 2πr², यस और नो। तो हम यहाँ पे लिखेंगे सरफेस एरिया जब बोला जाता है तो हम लोग टोटल सरफेस एरिया निकालते हैं, तो बच्चे लोग कन्फ्यूज मत होना कि सर टोटल सरफेस एरिया अगर आप सिलेंडर का निकालेंगे वो होता है 2πr प्लस 2πr², इसका होगा 3πr², इसका 3πr, नहीं, टोटल सरफेस एरिया इस डिवाइस का, तो कलर कहाँ कहाँ होगा, एक तो ये होगा तो सी एस से ऑफ
सिलेंडर। पक्की बात है? मुझे नहीं लगता इसमें कोई भी डाउट होना चाहिए। हेलो, नमस्कार सर। नमस्कार। तो सी एस सी हो गया। अब सुनो जरा, अब ये हेमिस्फीयर और ये भी हेमिस्फीयर है, तो सी एस सी ऑफ हेमिस्फीयर और मल्टीप्लाई करते हैं टू का, क्योंकि दोनों सेम ही है, हो गया ये। अच्छा, अब लेकिन लॉजिक क्या है इसमें? ये हमारे पास एक हेमिस्फीयर ये रहा और एक हमारे पास हेमिस्फीयर ये रहा, तो अब सबसे बड़ी बात है रेडियस क्या। अब सुनो जरा, ये चीज़ फाइव है पूरी, तो मतलब जो डायामीटर है वो हेमिस्फीयर का कितना है? फाइव। तो रेडियस कितनी हो जाएगी? छब्बो 2.5 मिलीमीटर। और ये 2.5 मिलीमीटर है तो ये भी 2.5 मिलीमीटर होगी, यस और नो? ये भी 2.5 मिलीमीटर हो जाएगी। तो इसकी हाइट, इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी? 9 मिलीमीटर, क्योंकि ढाई इधर से कम हो गया, ढाई इधर से कम हो गया, तो 9 मिलीमीटर आ गया। यस और नो? मुझे नहीं लगता इसमें कोई भी डाउट होगा। तो अब देखिए, ये 9 हो गया, तो हमारा अब यार कुछ नहीं करना है। सी एस सी ऑफ सिलेंडर होता है 2πRh और ये होता है 2πr² × 2। तो यार हमको पता है 2πr कितना है, 2.5h कितना है, 9। 2.5 का होल स्क्वायर इंटू टू। डू योर सेल्फ कैलकुलेशन। कंसेप्ट कुछ है, बताओ मानसी क्या डाउट हो रहा है? ये 2.5, ये 2.5, ये हाइट इतनी हो गई, ये पूरी 14 थी, तो सिलेंडर की ये हाइट तो 9 ही बची ना। पक्की बात है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कैलकुलेशन आपसे कराऊंगा, कंसेप्ट समझो बस। क्वेश्चन नंबर 7, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस एक्सरसाइज का सबसे अच्छा क्वेश्चन है। कह रहे हैं अ टेंट, एक टेंट है तंबू, इज इन द शेप ऑफ अ सिलेंड्रिकल, सिलेंडर शेप में, लेकिन सरमाउंटेड बाय ए कॉनिकल टॉप है। मतलब एक हमारे पास ये एक सिलेंडर है, सरमाउंटेड बाय के बाद जो भी आता है वो कहाँ होता है? ऊपर होता है। हमने कई बार ये चीज़ समझी इस तरीके से, ये पूरा टेंट है। अब ये पूरा, इस पूरे को टेंट बोलेंगे, ठीक है, इस तरीके से। कह रहे हैं द हाइट एंड द डायामीटर ऑफ द सिलेंड्रिकल पार्ट, मतलब सिलेंड्रिकल पार्ट की जो हाइट है वो कितनी है? दिस है, और डायामीटर, तो रेडियस कितनी हो जाएगी? 2 मीटर। मुझे नहीं लगा। एंड द स्लैंट हाइट ऑफ इज 2.8 मीटर। फाइंड द एरिया, पकड़ना बेटा जरा, हो इसको डिस्टर्बेंस, डिस्टर्बेंस। तो चलिए, अच्छा ये इसकी स्लाइंट, और पक्की बात है स्लाइंट हाइट किसकी होती है, किसकी होती है स्लाइंट हाइट, कौन की होती है? तो ये दिया है, कैन आई फाइंड द एरिया ऑफ द कैनवा यूज फॉर मेकिंग द टेंट। पहले इतना ही करते हैं, पहले इतना ही करते हैं, उसके आगे का पार्ट करते हैं। कह रहे अब ये टेंट जो बना है कैनवास का बनाया गया है, अब कितनी कैनवास लगी? तो ये रहा हमारे पास टेंट, ठीक है बच्चों, बहुत अच्छा बनाया। अब आप बताइए, ये यहाँ पर लगेगा ये इस तरीके से, और इसका ये, और यहाँ पर ये, यस और नो? अरे यार नीचे मना, रुक जाओ ना, इस चीज़ पे आएंगे ना, मैंने क्या बोला अभी, इस चीज़ पे आएंगे। तो अगर ये पूरा अगर हमको बनाना है तो आप कहाँ कहाँ कपड़ा लगाएंगे? एक तो यहाँ पर, तो ये तो 2πRh हो गया, ये हमारा πRL हो गया। अब नीचे का इन्होंने कुछ भी बताया नहीं है कि बॉटम, अब देखो अंडरस्टूड है, ज़मीन पे तो रखोगे नहीं, ज़मीन पे रहेगा लेके, बना ज़मीन पे सोगे क्या फिर है? तो नीचे कुछ ना कुछ लगाओगे, अगर नीचे को इंक्लूड करेंगे तो πR² हो जाएगा, अदरवाइज आप लोग -πR² कर देना, तो कुछ नहीं है क्वेश्चन में। तो कितना लगेगा? तो सी एस ए ऑफ सिलेंडर प्लस सी एस ए ऑफ कोन और प्लस बेस ऑफ सिलेंडर। अरे यार ये लोग ये कह रहे हैं कि मैंने बेस के लिए मना किया था, क्यों तुम्हें बेस पसंद नहीं है? अब पहले सुनो, अरे सुन तो लो जान, सुन तो लो यार, अब ये क्वेश्चन पर डिपेंड करता है, एक अंडरस्टूड सी बात है। अगर हमने केवल ऐसे ही लगा दिया, नीचे अगर बैठने का है क्वेश्चन में इंक्लूड किया गया, इसके मार्क्स ना कटेंगे ना कुछ ऐसा होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ कुछ ऐसा बोला नहीं गया है। क्या बोला है क्या, क्या बोला क्वेश्चन में? नोट दैट बेस ऑफ द टेंट विल नॉट बी कवर्ड विद, अच्छा बोला गया है, तो इस, तो इससे क्या कर देंगे, हटा देंगे अगर उसने बोला गया क्वेश्चन में, क्वेश्चन में अगर बोला गया कि हमने बेस जो है ना उस पर कैनवास नहीं लगाया, वो मैं आगे पढ़ता ना, ठीक है। अच्छा ये आप लोग बोल रहे, तो ठीक है, तो चलिए, अच्छा तो 2πRh प्लस πRh चमका, कुछ दिक्कत होनी नहीं चाहिए। तो पाई कितना है? 2 मीटर दिया गया है, आर पाई, हाइट कितनी है इसकी? 2.1 है भैया, पाई 22/7, रेडियस है 2L, कितना 2.8। तो ये इतना कैनवास यूज होगा,
एरिया है तो मीटर स्क्वायर लग जाएगा, यस और नो, पक्की बात है। फिर आगे कह रहे हैं कि आप, आपको पता लग गया कि यार इतना कैनवास लगेगा, अब तुम चले गए मार्केट में, तो मार्केट वाले इसका यार कैनवास, उसने कहा भैया एक मीटर स्क्वायर के हम लेंगे आपसे 500 रुपए, तो तुमने कहा मुझे तो इतने एरिया का चाहिए, तो क्या करोगे 500 से मल्टीप्लाई कर दोगे, इतना रुपए आपके लग जाएंगे। कंसेप्ट बस सीखो। इस क्वेश्चन में बोला गया था कि बेस जो है नीचे उस पर हम लोग कैनवास का यूज नहीं किया, अगर नहीं बोला गया तो बाय डिफॉल्ट हम लेते हैं, ठीक है, तो मुझे नहीं लगता इसमें कोई भी लॉजिक है भयंकर वाला। क्लियर है, हटाओ इसे। क्वेश्चन नंबर 8 देखते, प्लीज बड़ा शांत हो। कह रहे फ्रॉम अ सॉलिड सिलेंडर, एक ऐसा सिलेंडर भैया सॉलिड है मतलब अंदर सॉलिड है, कुछ भरा हुआ है, होलो नहीं है, इस तरीके से हमारे पास सिलेंडर है। कह रहे हैं कि इसकी हाइट है भैया 2.4 सेंटीमीटर और डायामीटर है 1. तो रेडियस कितने थे 0.7 सेंटीमीटर। क्लियर है। कह रहे हैं अ कॉनिकल कैविटी ऑफ द सेम हाइट एंड सेम डायामीटर इज होलोड आउट, मतलब क्या किया आप देखो, पकड़ो जरा, इसके अंदर है सेम हाइट और सेम बेस की एक कोन को होलोड आउट कर दिया, तो काट के निकाल दिया इस तरीके से, ये हमने काट के फेंक दिया इस तरीके से। और अभी मैंने आपको बताया था अगर किसी सॉलिड में से हेमीस्फीयर कट गया तो अंदर हेमीस्फीयर बन जाता है, कोन को कट गया अंदर कोन बन जाता है। लेकिन हम लोग प्रैक्टिकली समझेंगे, हमारे पास ये एक सॉलिड सिलेंडर है, मैंने क्या किया एक कोन को निकाल के अलग कर दिया, तो देखो अंदर भी कोन बन गई, देखो अंदर भी कोन बन गई ना। अब कह रहे हैं भैया इसका सरफेस एरिया बताइए, अब वो एरिया जहां आप कलर कर सकते हो, देखो कलर यहां करेंगे तो ये 2π आर एच हो गया, चलिए अच्छा कलर यहां पे भी होगा क्योंकि सॉलिड है, यहां से हटाए नहीं है तो पाई आर स्क्वायर हो गया, प्लस अंदर भी तो कोन बन गई है, ये पे देखो अंदर भी तो कोन है, फिर कोन पे भी होगा तो ये क्या होगा पाई आर एल, चमका, कंसेप्ट समझो, कलर यहां पर होगा तो 2πRH, बेस पर होगा पाई आर स्क्वायर, इस पर भी तो कलर होगा क्योंकि अंदर कोन भी तो बन गई है, तो इस पे बहुत से बच्चे क्या होते हैं इसको माइनस करके आते हैं, उनके दिमाग में ऐसा आता है कि कोन कट के अलग हो गई है भाई माइनस कर दो यहां पे, नहीं यार अंदर भी तो कोन बन गई है, तो कोन बन गई तो इस पे भी होगा कलर। तो बस अब यही सब चीजें हैं, आर कितना है 0.7, हाइट कितनी 2.4, अब एल निकाल लेना यार पाइथागोरस थ्योरम से, ये एंगल 90 होगा तो एल आप लोग निकाल लेंगे। क्या डाउट बताओ, क्या डाउट आ रहा है दिमाग में, कैलकुलेशन देखो मैं हर क्वेश्चन में कैलकुलेशन इसलिए छोड़ रहा हूँ क्योंकि लॉजिक कैलकुलेशन का नहीं है, अगर टेंथ में आके कैलकुलेशन नहीं कर पा रहे तो या फिर दिक्कत वाली बात है। आर कितना है प्लस आर कितना 0.7, अब एल कैसे निकालते हैं तो एल बराबर होता है इन रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, तो इसकी वैल्यू निकाल देंगे यहाँ से, ठीक है पक्की बात है। कोई डाउट मानसी अंशिका, कोई डाउट, पक्की बात है, चल लास्ट क्वेश्चन देते कंसेप्ट समझते, चलो बस इनके यार लास्ट क्वेश्चन देखो। अ वुडन आर्टिकल वॉज मेड बाई स्कूपिंग आउट ऑफ अ हेमीस्फीयर फ्रॉम ईच ऑफ द सॉलिड सिलेंडर, भैया ये सिलेंडर था दोनों तरफ से स्कूप आउट कर दिया, हेमीस्फीयर काट के निकाल दिया है। इफ द हाइट ऑफ द सिलेंडर इज 10 सेंटीमीटर, सही बात है गिवन है ये, एंड इट्स बेस ऑफ द रेडियस, रेडियस की बेस कितनी है भैया 3.5, तो फाइनल टोटल सरफेस है। अरे यार अब देखो मैंने काट के निकाल दिया है, ये रहा हमारे पास एक सिलेंडर था, हमने यहाँ से एक हेमीस्फीयर काट के निकाल दिया एक यहाँ से, अब वो एरिया बताओ जहाँ कलर हो सकता है, कलर यहाँ पर होगा 2πRH, यस और नो, प्लस हेमीस्फीयर के यहाँ पर होगा तो 2πR² और दो हेमीस्फीयर हैं तो 2 का मल्टीप्लाई कर दें, आ गया TS से, क्या है यार सब कुछ सेम क्वेश्चन, क्यों पता है आपको सेम, इसलिए हम लोग प्रैक्टिकली समझ रहे हैं यार, प्रैक्टिकली से क्या दिमाग में इमेज बन जाती है। इंटू 2 कर देना, क्लियर है, तो ये हमारा निकल गया है TS से इसका, और इसी के साथ आप खुद सॉल्व करेंगे, हमारा 13.1 खत्म हो गया, अब 13.2 का इंट्रो पार्ट तो मैंने सारे का पहले से ही दे दिया, अब केवल एग्जाम्पल्स करेंगे हम लोग और उसके बाद फिर एक्सरसाइज करेंगे, ठीक है तो